सुभाष चंद्र कनौजिया सपा की गमछी आप लपेटे हैं। अरे एकदम पक्के यादव है इसलिए तो सपा को समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यादव जितने हैं सब सपा का सपोर्ट करते हैं, ऐसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति और आज हम आए हैं जौनपुर जिले के अंतर्गत विधानसभा सहगंज के अंगुली खानपुर गांव में। कुछ लोग इकट्ठा हुए, आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल होगा चुनाव को लेकर। और खासकर आपको बता दें वर्तमान में यहाँ से सपा से विधायक है ललई, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र कनौजिया। सुभाष चंद्र कनौजिया सपा की गमछी आप लपेटे हैं? अरे एकदम पक्के हैं। हाँ, पकड़े हैं। तो क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव का? माहौल तो यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश आ रहे हैं। गठबंधन इनका आ रहा है। ये बताइए ओम प्रकाश राजभर के आने से फायदा हुआ है सपा को? एकदम फायदा हुआ है। एक जो इनका सामाजिक समरसता है और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी एक नए मिजाज में चल रही है। हाँ, और जो है कि सारी समाज को लेकर के, सर्व समाज को लेकर के अब की जो है चल रही है। जैसे ओम प्रकाश राजभर आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से यहाँ, हम अपने गाँव की बात कर रहे हैं, यहाँ परिवर्तन आ गया। आपको लगता है कि जैसे अगला चुनाव, क्योंकि बहुत पेशोपेश में 58 सीटों पे पिछला अभी चुनाव हुए हैं और इससे एक आंकड़े लगभग है कि वो लोग बोल रहे हैं कि लगातार दोनों की लड़ाई बड़ी टक्कर की हुई, 1% का डिफरेंस बता रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, 1% नहीं है जी जी। हम भी देखते हैं, हम भी न्यूज देख रहे हैं बरोबर जी जी। या जान लीजिए वहाँ 40+ के अकेले अखिलेश का गठबंधन आ रहा है, मतलब पहले में। अच्छा, और दूसरे में तो एकदम बीजेपी साफ हो जाएगी। मतलब ये लग रहा है कि सारे जातीय समीकरण बीजेपी के फेल हैं। फेल हैं। और खासकर मैं शाहगंज के बारे में पूछूंगा कि आपकी पैरल लड़ाई आप किससे ज्यादा वो महसूस कर रहे हैं, बसपा से कि किसी से? लड़ाई है नहीं। अच्छा अच्छा, आज तक किसी की लड़ाई नहीं है। चौथी बार, चार बार विधायक हमारे मंत्री जी रहे हैं, पांचवी बार फिर होने जा रहे हैं, किसी से लड़ाई है ही नहीं। मुद्दा क्या होगा सहगंज विधानसभा का, किस मुद्दे पे आप वोट देने जाएंगे? ये मुद्दा पूरे प्रदेश का शिक्षा है और किसान है और इसके बाद महंगाई है, विकास का मुद्दा है। 5 साल में मैंने देखा जो है कि शिक्षा में बच्चे यहाँ के गांव के हैं और साधन संपन्न लोग नहीं है, सबके पास जो है कि स्मार्ट मोबाइल नहीं है, तो पढ़ाई इनकी इतनी व्यथित हो गई कि हमारा जो समाज है वो 10-15 साल पीछे चला गया। ये जो बच्चे निकलेंगे ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो राष्ट्रवादी कह रहे हैं बड़ा विकास कर दिया, हम तो लैपटॉप टैबलेट बांट रहे हैं और कुछ नहीं। आप जो कह रहे हैं, आप जो मैनिफेस्टो रख रहे हो उसी बोल रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं। उनका घोषणा पत्र जो पहला उन्होंने दिया था 2017 में जी जी, आप उसको देख लीजिए उसमें कितना उन्होंने पूरा किया है। और ये इनका इलेक्शन आने के बाद शुरू हुआ, इलेक्शन जब आ गया तब इनका शुरू हुआ, और इसके पहले जो है आज भी देख रहे हैं हम, जो घर में लैपटॉप दिए थे आज उस लैपटॉप का उपयोग कोरोना काल में कितने बच्चे किए हैं, जिसके परिवार में लैपटॉप मिला था सभी लोग ने किया। नीरज, मैं कहूंगा कि रापता और लोगों से, और भी लोगों से करते रहिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार यादव। यादव है इसलिए तो सपा को समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं? क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यादव जितने हैं सब सपा का सपोर्ट करते हैं, ऐसा है कि नहीं? आप ऐसा जानते हैं? हाँ जी है जी जी। बात जात का क्या नहीं है, हमें तो रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षित स्वस्थ और संपन्न राज्य बने, इसके लिए हम वोट कर रहे हैं। हमें अखिलेश जैसे जी जी। असल मेन मुद्दा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी अमित यादव है, लेकिन मैं जातिवादी नहीं, समाजवादी जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा की है। आज चाहे राष्ट्रपति कार्यालय देख लीजिए, उसमें एक भी बैकवर्ड नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक भी बैकवर्ड नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक भी बैकवर्ड नहीं, राज्यपाल किसी भी कार्यालय में आप देखेंगे भी बैकवर्ड नहीं। सारी सीटें जो है सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। आज पिछड़ों के जो जो आप जो आप पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के भी मेंबर हुए, नहीं होंगे, होंगे होंगे और रहे भी, लेकिन 10% आरक्षण स्वर्णों के लिए लागू हो गया, लेकिन नहीं लागू हुआ, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं पूछा गया कि ये पूरी संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर ये 10% रिजर्वेशन स्वर्णों को दिया गया है कि ये उनकी आबादी के अनुपात में, क्योंकि लोग कहते हैं कि 85 और 15% वो है और वो कहते हैं कि 15 में उनको 10%, तो इस पर सवाल समाजवादी पार्टी ने कभी पार्लियामेंट में पूछा? हमारी बात सुनिए आप, जो है 27,000 आरक्षण ओबीसी का लूट लिया गया, आज हमारा स्कॉलरशिप एक फॉरवर्ड समाज का है, उसका उसकी स्कॉलरशिप पूरी आती है, लेकिन हम लोगों की स्कॉलरशिप पूरी नहीं आ रही है। जो है मतलब स्कॉलरशिप हर तरह से हमको प्रताड़ित, कभी
मतलब अन्याय अत्याचार तमाम एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर मतलब कोई अगर वो करेगा तो आप उसके सर में गोली मार देंगे। व्यापारियों के ऊपर मतलब तमाम तरह के ऐसे हत्याएं हुई जौनपुर में कि मतलब हम आपसे बता नहीं सकते। एक सवाल मेरा ये है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़ा का चुनाव मुद्दा होना चाहिए, और रही जब सपा की सरकार थी तो ये आरोप विपक्ष लगा रहा था कि जितने यादव थे सबको नौकरियां मिल गई और किसी दूसरे जाति को आरोप, ये आपका आरोप सही लगता है कि नहीं? आपको देख लीजिए, पता कर लीजिए कि कितनी नौकरियां पाए हैं, पूरा डेटा निकलवा लीजिए, देख लीजिए लैपटॉप यादव पाए हैं कि हर कास्ट के लोग पाए हैं। एम्बुलेंस क्या यादवों के लिए आती है? डायल 100 अगर आप लगाते हैं तो क्या सिर्फ यादवों के लिए आती है? कोई बहुत बहुत सही, इनका सही है कि आखिर नजरिए से देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी का नजरिया है तो यादव को फायदा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। फायदा सारी जातियों के लोगों को मिला है और इस पर एक नजर ये नहीं कह सकते कि खाली यादवों को मिला। अब लेकिन हमारे तमाम से साथी हैं तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया और करेगी आगे आने पे। इसके पहले भी अखिलेश जी ने बहुत काम किया। जी जी, उनके जितने वादे रहे जी वो अपने वादे पे खड़े हैं जी। इसीलिए अब वर्तमान में फिर उनका विकास, पिछला विकास जो था, विकास के मुद्दे पे उन्होंने फिर चुनाव लड़ा है और 280 के पार जा रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है। बन रही है मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं, कोई नो डाउट, नो डाउट। चाचा आपका नाम? बाबूराम बाबूराम यादव। तो ये बाबूराम यादव जी, कुछ लक्ष्य होगा निर्धारित की मतलब हमें के वोट देव की हम हाँ हम देव सपा दूसरे के नाम लक्ष्य हुआ ही नहीं लक्ष्य हुआ ही हमको बात करने दे, नारा मत लगाइए, बात कर ले हम लोग बात कर ले तो उसके बाद अपना नारा लगाइए। सभाराज यादव, सभाराज यादव। भाई ये लग रहा है कि अब समाजवादी एकदम बिल्डअप है, यहाँ पे मजबूत है समाजवादी। समाजवादी बेशक नाराजगी का सवाल नहीं, नहीं सवाल नहीं है। सुन रहा हूँ यहाँ कुछ कुछ नहीं नहीं नाराज नहीं, साइकिल पे। अच्छा बताइए, एक मेरा सवाल ये है, साइकिल पे आप वोट जो विधानसभा की समय वर्तमान विधायक है ललई के नाम पे दे रहे हैं या अखिलेश के नाम? अखिलेश यादव के नाम से। अखिलेश यादव के नाम से, अखिलेश यादव के नाम पे आप वोट दे रहे हैं। और भी कुछ लोग, आपका नाम क्या है? अब्दुल रज्जाक। एक मिनट, अब्दुल रज्जाक साहब, ये नहीं लगता कि मतलब जो भी है कि समाजवादी पार्टी को मुफीद समझ रहे हैं जी? हाँ, ये बसपा के भी तो कैंडिडेट आएंगे और भी कांग्रेस भी अपना लाइन लेके आएगी तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। हमारा समाजवादी पार्टी सबके साथ, अब जात पात का कोई भाव नहीं। जी जी, विकास सबका एक सरीका जी, इसके लिए हम लोग साइकिल फास्ट के। साइकिल के पास मतलब ये लगता है कि माइनॉरिटी का जो भी अधिकतर वोट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा जी। कि नीरज, अगर ये इसको कहेंगे कि अगर हम अभी, एक भाई साहब ने यहाँ कहा कि जातिता के नाम पर वोट नहीं बल्कि पार्टी के नाम पे कैंडिडेट कोई भी हो, किसी से भी कोई नाराजगी हो, लेकिन नाराजगी को दूर करके वो वोट समाजवादी पार्टी को करेंगे, कैंडिडेट उन पर इफेक्ट नहीं डाल सकता बल्कि समाजवादी पार्टी उन पर इफेक्ट डाल। जी जी, क्या करें, हम पे थोड़ा वोट चाहिए। एक मिनट, हम पे आरोप लगता है कि हम यादव हैं तो इसलिए समाजवादी हैं। मैं ये बुजुर्ग लोग हैं तमाम से, क्योंकि चाचा अब आशीर्वाद लेने तो तमाम से लोग आएंगे, तो इस आशीर्वाद में किसको आशीर्वाद दे देंगे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, हम प्राविण अध्यापक थे जी जी, कहते हैं कि लैपटॉप काम करम की मोबाइल पर पढ़ाई करिए जी जी। हम लोग ब्लैक बोर्ड पढ़ाते थे जी जी, लड़कों को समझाते थे जी जी, लिखवाते थे, तब पर पास नहीं होते थे, किसके पास मोबाइल है जी जी। इसलिए हम भाजपा को देखेंगे, उसको तोड़ फोड़ करके समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष हैं आप तो जी, एक बात बताइए हमको, क्या माहौल आपको लग रहा है? आप तो जिला उपाध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शीर्ष कमान पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है कि तो अभी जो जैसे अभी तक मीडिया कह रहा है कि पैंतालीस वो तो कह रहे एक ही परसेंट के डिफरेंस आ रहा है। ऐसा आपको नहीं लग रहा है? जिला उपाध्यक्ष, अच्छा समाजवादी पार्टी, आप ये बताइए कि आप जो पश्चिम की हवा है वो शाहगंज में भी ऐसी बहेगी? पश्चिम की हवा चल करके पूर्वांचल की तरफ आ रही है बहुत तेजी से, और पूरा सफाया करते हुए जा रही है भाजपा का, पूरा का पूरा सफाया होने वाला है। जी जी। और बता दें कि जो प्रत्येक वर्ग का मतदाता है जी जी। आशा भरी निगाहों से अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो अस्पताल के बारे में बात करे, जो जो किसान बिजली और जो महाविद्यालय के बारे में बात करे, और जो रोजगार बेरोजगार हो गए नौजवान उनके बारे में बात करे। अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि जितने नौजवान हैं वो इस बार सिपाही भर्ती सीधे होगी और आर्मी में भर्ती सीधे होगी, और सीधे उन्होंने कह दिया
कि प्रत्येक नौजवान को रोजगार दिया जाएगा और ये जो साढ़ छोड़ दिया है योगी जी ने यहाँ पर उसका भी इलाज किया जाएगा और किसान पूरा का पूरा यहाँ पर एकदम एक तरफ से किसी जाति वर्ग का हो। अभी निषाद समाज से मैं बात कर रहा था, निषाद समाज के लोगों से, उन्होंने कहा कि इस बार जो बेच रहे हैं में जो हवा चली है जी 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 पश्चिम से जो हवा चली है यहाँ हम लोग तूफान बना देंगे और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार है, नौजवान है भाई, उनमें उन्माद है समय और आप ये इस चीज को मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पैरेलल बीजेपी को हराने के लिए काम कर रही है पैरेलल एकदम एकदम योगी बाबा एकदम जाएंगे कमंडल लेके गोरखपुर और जो पश्चिम से हवा चल रही है किसानों नौजवानों की वो पूर्वांचल से होते हुए पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार बनाएगी और बेरोजगारी मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, ये इसको लेके हम लोग एकदम अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बोलिए। अगर समाजवादी कांतिन कहाँ कह सके, सब कुछ कह सकता, सब दुनिया संसार के लिए चल रहा है, मैंने आप क्या कर रहे समाजवादी खातिर, हमारे भगवान वही जो का ही हुए करब बस। मैं यही पर इस रिपोर्ट को क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन ये रास्ता लग रहा है कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई